Hi everyone, welcome to my channel and welcome to a new vlog. Hope so you all are doing super duper great. और काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ. मुझे भाई इतनी खुशी हो रही है, आई कैंट इवन एक्सप्रेस दिस थिंग इन वर्ड्स. सो आज मैं स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम भी स्टार्टिंग में इस कॉलेज में आए थे तो हमको भी ऐसा था कि कैसा होगा कॉलेज. वैसे बाय द वे मैं श्रीनगर से ही स्कूलिंग मेरी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा बहुत पता था. चौरास के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता था, सिर्फ बिरला कैंपस के बारे में ज़्यादातर मुझे इन्फॉर्मेशन थी उस चीज़ की. तो बाकी मैंने सोचा चलो यार, मतलब एक्साइटमेंट तो होती है कि कैसा होगा कॉलेज, हम डिसाइड सही कर रहे हैं जाना वहाँ पे या नहीं. मैं तो यहीं उत्तराखंड की लोकल हूँ, बट आप लोग काफ़ी बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम पे आए, मेल आए हुए मुझे, प्लस यूट्यूब पे भी मेरे जो कमेंट बॉक्स हैं उसमें भी काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं. तो सोचा कि उन आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देती हूँ. और चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो शूट करती हूँ आगे, मतलब बढ़ाती हूँ. अगर थोड़ा क्वालिटी डाउन होगी तो प्लीज़ 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 उस चीज़ को इग्नोर करना, बिकॉज मेरे फ़ोन की थोड़ा कंडीशन सही नहीं चल रही है, एडिटिंग हो नहीं पा रही है, कैमरा थोड़ा ब्लर पड़ चुका है. एंड छोड़िए उस बात को, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं. आपके क्वेरीज जो पूछे हैं आप लोगों ने, जो अभी रिसेंट के हैं, मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ. सो बीएससी मैथ्स किस कैंपस में है? बीएससी मैथ्स हमारा बिरला कैंपस में है. बिरला कैंपस श्रीनगर में, जो श्रीनगर का जो मेन कैंपस है उसका नाम ही बिरला कैंपस है, और जो चौरास में है वो है चौरास कैंपस. और जो बिरला कैंपस और चौरास कैंपस है उनमें अलग अलग कोर्सेज है. लाइक बिरला कैंपस है जो मेन है, श्रीनगर का जो मेन है, वहाँ पे शायद जगह ना होने के कारण उन्होंने आधे कोर्सेज इधर शिफ्ट कर दिए. बट ऐसा मत सोचना कि बिरला में भी वही कोर्सेज चलते होंगे और चौरास में भी वही कोर्सेज चलते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. प्रोफेशनल कोर्स चौरास कैंपस में चलते हैं, नॉन प्रोफेशनल जैसे लाइक बीएससी, बीए, आई थिंक एमए, ये सब हमारे बिरला कैंपस में चलते हैं. और यस, मैथ्स भी बिरला कैंपस में चलता है, बट मास्टर्स का एमएससी मैथ्स यहाँ पे चलता है चौरास कैंपस में. और मैं चौरास कैंपस में रहती हूँ और चौरास वाले हॉस्टल में रहती हूँ, बिकॉज मेरा जो डिपार्टमेंट है वो भी यहीं पे है चौरास कैंपस में. एंड चौरास कैंपस में बीएससी मैथ्स नहीं है, एमएससी मैथ्स है. बीएससी हमारे पास बिरला में ही है. मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, है सीबीएसई की जगह सीबीएसई हो गया है. तो करेक्शन विंडो कैसे ओपन होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी. तो ये करेक्शन विंडो तो आपको देखना पड़ेगा, कोई और वीडियोस के थ्रू आप जाइए वहाँ पे देखिए करेक्शन वीडियोस का. अभी जो कॉलेज की जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है मैं वो दे सकती हूँ, कैंपस कैसा है वो बता सकती हूँ, कौन सा कोर्स कौन से कैंपस में अवेलेबल है, मैं इन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ. बाकी आप बाकी वीडियोस के थ्रू जा सकती है अगर मुझे कोई वैसी वीडियो मिलती है करेक्शन का, क्योंकि एचएनबी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है तो उसके काफ़ी वीडियोस आते रहते हैं, तो आप जा सकते हैं इजीली देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं. हॉस्टल मिलने के चांसेस आउटसाइडर पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता कि तुम कहाँ से हो, डिपेंड इस पर करता है कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी है. अगर आप ट्वेल्थ मतलब यूजी के लिए आ रही हो तो आपका जो ये ट्वेल्थ के बेस पे होता है, ट्वेल्थ के बेस पे मिलता है. अगर आप पीजी के लिए आ रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे देख के ही मिलता है, ग्रेजुएशन के मार्क्स देख के ही मिलता है हॉस्टल. बाकी आउटसाइडर इनसाइडर कुछ ये मैटर नहीं करता इसमें. यूनिवर्सिटी में एमएससी बॉटनी डिपार्टमेंट कैसा है एकेडमिकली, तो ये मुझे जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे मेरी फ्रेंड की बहन सिस्टर भी है, कज़न है लाइक, तो डिपार्टमेंट गुड है, इतना भी अच्छा नहीं कह सकती हूँ. बिकॉज एचएनबीयू जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस वैसा ही है, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी नाम पड़ चुका है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं. यहाँ पे प्लेसमेंट भी ज़ीरो है, 0% प्लेसमेंट है. यूनिवर्सिटी 0% प्लेसमेंट प्रोवाइड कराती है स्टूडेंट्स को, बाकी प्लेसमेंट अगर पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट करवाता है वो बात अलग है, बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं. अच्छा, फॉरेस्ट्री का ड्रेस कोड बता रहे हैं, जैसे कि मैं फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं ज़्यादा बता सकती हूँ आप लोगों को फॉरेस्ट्री के बारे में. तो बहुत सारे बच्चों ने फॉरेस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे थे, तो फॉरेस्ट्री का बता दूँ ड्रेस कोड. हाँ, ड्रेस होते हैं फॉरेस्ट्री के, दो होते हैं. एक हमारे पास प्रैक्टिकल टी शर्ट होती है ग्रीन कलर की, जो आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, वरना मैं यहाँ पे कोई फोटो होगी तो मैं लगा लूँगी. और स्ट्रिप वाली पैंट शर्ट भी होता है, और
हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, दोनों डिपार्टमेंट में ड्रेस चलते हैं, और भी जो बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज है चौरास के उनमें भी ड्रेस कोड चलता है। ट्वेल्थ के बेस पे ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज आने के बाद हॉस्टल मिलता है, ये क्वेश्चन बच्चों ने काफ़ी पूछा है, तो इसका मैं ये रिप्लाई करना चाहूँगी। एक ने बोला 66% आए हैं और एक ने बोला 88% आए हैं। सबसे पहले तो परसेंट मैटर तो करते हैं, बट अगर आपकी कैटेगरी है तो 66 आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लास्ट 70 मिलता है शायद या फिर 80s में मिलता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो बाहर के भी होते हैं तो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा सोच के से यूनिवर्सिटी में आते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं बच्चों के, तो आई डोंट नो, क्योंकि हाई जिसकी परसेंटेज जाती है उसको पहले लिया जाता है, बाकी अगर सीट खाली है तो वो डिपेंड करता है। विच कोर्स इज़ गुड, BSc फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर, वो मैं कुछ दोनों बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज अभी मैं एक ही के लिए नहीं बोल सकती, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, वो दोनों अपनी अपनी जगहों पे बेस्ट हैं, तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करते हो, मतलब आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बाकी तो आप सर्च कर सकते हो। दी 70% में हॉस्टल मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन ये पूछा है, अब वो तो आपकी कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि कितना आपको मिलता है, कट ऑफ अगर हाई जाती है तो उस पे, और प्लस सीट, अगर सीट खाली होती है तो मिल जाता है एडमिशन। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अभी हमारे पास जो UG के रजिस्ट्रेशन है UG के लेवल के, वो खुल चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया उनको, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब खुले हैं, बट खुल चुके हैं अभी, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्लस उस टाइम पे जब आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हॉस्टल के लिए आता है तो ज़रूर उसको यस करना, वरना आपको हॉस्टल थोड़ा दिक्कत करेगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे या मेरे फ्रेंड्स के टाइम पे वो शायद ऑफलाइन था, ऑनलाइन भी था उस टाइम पे भी, जब फॉर्म भरते हैं फॉर्म फिल करते तो उसी टाइम पे लिखना पड़ता है कि हॉस्टल के लिए आप अपेयर कर रहे हो या अपेयरिंग अपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी वो आता है। और वॉकिंग डिस्टेंस कितना है फॉरेस्ट्री और फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट्री बॉयज़ हॉस्टल तक का, ये अभिषेक नाम के लड़के ने काफ़ी बार पूछ दिया मुझे, तो ये है कि मतलब बहुत पास है, जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वही अपना हॉस्टल चलाता है, यूनिवर्सिटी नहीं चलाती उस हॉस्टल को, उसका सब कुछ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट करता है, और वॉकिंग डिस्टेंस उससे है 4 to 5 minutes, बस ज़्यादा दूर नहीं है। डिपार्टमेंट अगर MSc, अच्छा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी यहीं है चौरास कैंपस में, और आपको हॉस्टल की प्रेफरेंस नहीं मिलती, आपको खुद सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है हॉस्टल, कोई आपको चॉइस नहीं मिलती है हॉस्टल की कि आप कौन से हॉस्टल में जाओगे, गर्ल्स चाहे बॉयज़ वो सेलेक्ट करते हैं। अगर फॉरेस्ट्री को तो एक ही हॉस्टल है, फॉरेस्ट्री का तो डिपार्टमेंट से होता है, बाकी जो यूनिवर्सिटी के अदर हॉस्टल्स हैं उनको सिर्फ जो हमारे मेरिट बेस के हिसाब से ही बच्चों को मिलता है, बाकी कोई चॉइस नहीं होती है बच्चों की खुद से चूज़ करने की कौन सा हॉस्टल बोल लें। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन्होंने पास लिख दिया और अवेटेड लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, रिजल्ट आपको जब आपका वेरिफिकेशन होगा, अभी वेरिफिकेशन भी होगा आप लोगों का, तो उस टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, तब तक तो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है ताकि आपका इजीली एडमिशन हो जाए। विंटर्स में कॉलेज क्लोज होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, 10-15 दिन के लिए होता है, हाँ गर्मियों में पूरा एक महीने के लिए, इस बार तो बंद पूरा हुआ था, और जब मैं 2021 में यहाँ पे आई थी तो उस टाइम पे 10-15 दिन की गर्मियों की छुट्टी पड़ी थी और ठंडियों की भी उतनी लगभग पड़ी थी, बट इस साल गर्मियों की पूरा एक महीना पड़ा है और ठंडियों की भी 10-15 दिन ही पड़ी थी, ज़्यादा नहीं पड़ा था। और मैं इसका मंथली फीस है 2500 गर्ल्स का, 3000 शायद बॉयज़ का है, बॉयज़ का मैं कुछ कन्फर्मेशन नहीं दे सकती, 3000 है जहाँ तक मोटा मोटा मुझे पता है, गर्ल्स का 2500 है सारे हॉस्टल्स में, जितने चौरास कैंपस में 6 हॉस्टल्स हैं, 6 हॉस्टल का सेम प्राइस मतलब सेम है सबका। और विच कैंपस इज़ बेस्ट फॉर BA, टिहरी या पौड़ी, इसका मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं चौरास श्रीनगर में हूँ और ऊपर से चौरास कैंपस में, तो मैं जो श्रीनगर का 2 कैंपस है उनके बारे में ही बता सकती हूँ, टिहरी पौड़ी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये भी था, स्टूडेंट्स का डाउट कि उनको चौरास कैंपस, अगर सॉरी बिरला कैंपस मिलता है तो उनकी स्टडीज़ चौरास कैंपस में भी होगी, जो BA, BEd, MA, MEd
वो प्रोफेशनल जो कोर्सेज चलते हैं यहाँ पे उनका होता है, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे बड़ा है चौरास में और क्लासेस उनकी बिरला कैंपस में चलती है। जैसे हमारे साथ भी पहले ऐसा होता था, क्लासेस तो नहीं चलती थी हमारी, बस हमको एग्ज़ाम देना, जो हमारे एक्सटर्नल के एग्ज़ाम्स चलते थे वो हमें एक्सटर्नल देने बिरला कैंपस जाना पड़ता था। आई डोंट थिंक सो कि यूजी लेवल में ऐसा कुछ होगा कि आपको अगर चौरास बिरला कैंपस मिला तो चौरास आपको आना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि चौरास कैंपस में एक दो क्लासेस चल जाए, लाइक कुछ कुछ सेलेक्टिव कोर्स होते हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, बीएससी में सॉरी, तो उसके लिए मे बी आपको चौरास कैंपस आना पड़े क्लास लेने, उसका मुझे आइडिया नहीं है। मेरा हॉस्टल यमुना गर्ल्स हॉस्टल है, आई थिंक ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ओके, दी रूम में कितने लोग रहते हैं, मतलब यूजी लेवल के लिए तो एक रूम में थ्री सीटर होता है यूजी के लिए, और पीजी में टू सीटर होता है, और जो पीएचडी वाले होते हैं उनके लिए वन सीटर होता है सिंगल, तो उनको खुद के पर्सनल रूम्स मिलते हैं। और जो दो हॉस्टल हमारे पास यमुना गर्ल्स हॉस्टल भागीरथी, ये दोनों हॉस्टल यूजी के लिए हैं, सरस्वती और मंदाकिनी ये दो हॉस्टल पीजी के लिए हैं, नंदा देवी और गंगा ये हॉस्टल हमारे पीएचडी वालों के लिए, और बाकी दो हॉस्टल हमारे बिरला कैंपस में हैं, अलकनंदा टू ऐसा कुछ है, दोनों हॉस्टल वो वाले बिरला में हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा भी होता है कि बहुतों के जो वो होता है क्या बोलते हैं कोर्सेज होते हैं वो बिरला कैंपस में चलता है, बट उनको हॉस्टल यहाँ मिल जाता है। अब पिछले साल से मतलब हमारे हॉस्टल में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ रहती हैं जो क्लासेस लेने बिरला जाती है बट रहने चौरास आती हैं, तो उसका ये, और हॉस्टल की फ़ीस नहीं, सॉरी बस की फ़ीस बिल्कुल नहीं बढ़ती है, अभी फ़िलहाल तो नहीं बढ़ती है, बस की फ़ीस नहीं है, आपको बस अपना आई कार्ड लेके जाना है, आई कार्ड दिखाना है, और फ्री में बस चलती है, बस टाइम टू टाइम, टाइम का थोड़ा इशू है, टाइम टू टाइम चलती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं 157 इनके 600 में से आए हैं, तो बीएससी मैथ्स में एडमिशन मिल जाएगा, अगर सीट खाली हो, कट ऑफ डाउन गया हो तो इजीली मिल जाता है। वैसे बीएससी में तो आई डोंट थिंक कि नहीं मिल, मतलब ऐसा कोई भी बच्चा होगा जिसको नहीं मिलता होगा, मैथ्स में इजीली मिल जाता है क्योंकि काफ़ी सीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उनमें थोड़ा दिक्कत होती है, और बाकी जो हमारा जो फॉरेस्ट्री है डिपार्टमेंट पिछले साल उनके 600 में मतलब कट ऑफ 400 to 500 ऐसे कुछ गई थी, और लास्ट 676 ऐसा गया था, मतलब देख लो बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं कोर्सेस, चले जाते हैं वापस। अरुणा करके कोई स्टूडेंट है जो मेरी मेल आईडी मांग रहे हैं, मेरे जो चैनल है उस पर भी मेंशन है मेरी मेल आईडी, बट मैं यहाँ पे डाल दूँगी, आप लोग मेरे को क्वेरीज वहाँ पे भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज़ मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब नहीं चलाती हूँ ज़्यादा, मतलब आजकल तो काफ़ी टाइम से मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अगर हाँ, एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी रिलेटेड टू हॉस्टल प्लस कैंपस, तो आप अगर मुझे पता होगा इस चीज़ के बारे में तो मैं श्योरली आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगी, बिकॉज मेरे उसके बाद फिर से एग्ज़ाम लगने वाले, एग्ज़ाम मेरे लगे हैं, मेरे 4 दिन का ब्रेक चल रहा है अभी, फिर उसके बाद मेरे इंटरनल्स लग जाएंगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हो इन 2-3 दिनों में, ताकि मैं फटाफट वीडियो शूट कर लूँ, फिर मुझे फिर से वही सुबह शाम पेपर पेपर पेपर, एग्ज़ाम तो पढ़ने के लिए फिर मुझे टाइम नहीं मिलता ब्लॉग शूट करने के लिए, अभी मैं बड़ी मुश्किल से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। एमएससी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कैसा है, डिपार्टमेंट्स तो सॉरी जियोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स तो यहाँ पे ठीक है, बट द थिंग इज़ यहाँ पे फैकल्टी की बहुत बहुत ज़्यादा किल्लत है, यहाँ पे फैकल्टीज़ ही नहीं है, आपको खुद करना पड़ेगा। इवन मेरे जो मेरा डिपार्टमेंट है, मेरे डिपार्टमेंट में भी काफ़ी कम फैकल्टी है, तो एक ही टीचर को 2-3 सब्जेक्ट्स में मिल जाते हैं और बाकी हमें खुद ही पढ़ना पड़ता है। हॉस्टल कैसे अलॉट होता है, 12th के बेसिस पे हॉस्टल अलॉट होगा। पीजी की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन अभी कोई आइडिया है नहीं, उनका अभी नहीं आया है रजिस्ट्रेशन का, अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। यूजी का हो गया है रजिस्ट्रेशन, और अगर आप रूम का टूर चाहते हो मेरे इस वाले हॉस्टल का, और भागीरथी का मेरे फ्रेंड्स रहते हैं भागीरथी का भी मैं इजिली आपको टूर दे सकती हूँ, तो अगर आपको प्लीज़ गर्ल्स अगर यूजी में या एमएससी वालों को भी प्रोवाइड होते हैं, मेरी रूममेट खुद एमएससी वाली है, एमएससी वालों को भी प्रोवाइड होते हैं ये हॉस्टल्स, तो अगर आप में से किसी को जानना होगा तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी बता देना ताकि मैं फटाफट वीडियो बना सकूँ बाकी तो। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे मतलब मुझे सीएससी से ज़्यादा है क्वेश्चंस, तो सीएससी का मुझे नहीं पता,
कि कितना पिछले साल स्कोर किया था, तो मतलब मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लो। डिपार्टमेंट तो काफ़ी सही है यहाँ पे, मतलब सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आई थिंक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही है चिंग्यू का। मैं पूरी वीडियो आगे से थोड़ी छोटी सी एक क्लिप है वो चला दूंगी, प्ले कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए। और अच्छा है प्लेसमेंट, मैंने पहले भी बताया यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट नहीं कराती है, प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अगर आपका डिपार्टमेंट अच्छा है या डिपार्टमेंट बच्चों के लिए इतना सोचता है तो डिपार्टमेंट कराता है, वरना काफ़ी बच्चे आते हैं यहाँ पे बाहर के, ज़्यादा आते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो गाइज़ ये स्कोरिंग जो आप लोग मुझे बता रहे हो कि आप एडमिशन मिलेगा या नहीं करेगा, वो तो कट ऑफ पे ही डिपेंड करेगा कि कितनी कट ऑफ जाती है। प्लस अगर यहाँ पे सीट खाली होती है तो स्टूडेंट्स को इजीली एडमिशन मिल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। वैसे HNVU को लास्ट ऑप्शन रखना है, ये कीप दिस थिंग इन माइंड, ताकि आपके लिए ही अच्छा हो, बाकी हम क्या कह सकते हैं। MSc मैथ्स कट ऑफ, सीरियसली मुझे कट ऑफ का कोई आइडिया नहीं है कि कट ऑफ कितनी होएगी। लाइक यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग होती है, उसमें भी एडमिशन मिल जाता है अगर सीट खाली हो तो। वही डिपेंड करता है कि कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं, सीट कितनी है यहाँ पे। बाकी इन चीज़ का मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, कट ऑफ तो तभी पता चलेगी जब पहली मेरिट लिस्ट निकलेगी। पिछले साल का मैं सब सारे जो CUT के बेस पे जितने भी पिछले साल से स्टार्ट हुआ था जिनमें मैं, उससे पहले तो हमको 12 के बेस पे मिला था, तो उसका मैं कोई आइडिया नहीं है, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इतनी तो निकाल नहीं सकती हूँ कि एक एक करके कि कितना कट ऑफ किया था। वो आप लोग प्लीज़ उस टाइम तक के लिए वेट करिए ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हाँ मानती हूँ आप लोगों को थोड़ा हो रहा होगा अंदर से, गढ़वाली में बोलते ना हम लोग, कबलाट हो रहा होगा कि भाई कैसे, मतलब क्या कैसे करना है, कन्फ्यूज़न होती है। मुझे भी हुई थी फर्स्ट टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी। बाकी यहाँ पे बहुत सारे बोल रहे थे कि हम ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे, पर्सनल मैसेजेस आते थे इंस्टाग्राम पे कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बाहर के लोग होंगे नहीं होंगे, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग गढ़वाली होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सारे, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे हॉस्टल में भी काफ़ी मतलब डिफरेंट स्टेट्स के हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उत्तराखंड में आ रहे हो तो सिर्फ उत्तराखंड के, हाँ मोस्ट ऑफ द उत्तराखंड के मिलेंगे, बट आउट ऑफ उत्तराखंड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ सब 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 बच्चे मिलेंगे आपको यहाँ पे। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग अकेले हो जाएंगे यहाँ पे गढ़वालियों के बीच, ऐसा नहीं है, अदर स्टेट्स के बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने। सो गाइज वीडियो आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट आप सभी लोगों के क्वेरीज ख़त्म कर दी हैं, होप सो मैंने कर दिए होंगे, मैं आपकी जो जितनी डिमांड थी उसको फुलफिल कर पाई होंगी। अगर कुछ भी गलत कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, पहले ही बोल देती हूँ, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। बाकी अगर आप लोगों को और कुछ इश्यूज होंगे लाइक हॉस्टल टूर चाहिए होगा, गर्ल्स हॉस्टल टूर मेनली लड़कियों के लिए, एंड बॉयज़ का भी मैं बता दूंगी कि कितने हॉस्टल्स हैं, कितना क्या है, कैसा है, मैं पता करूंगी अपने फ्रेंड्स लोगों से, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल का मुझे कोई आइडिया नहीं है उसका उतना, जितना मुझे जिस हद तक गर्ल्स हॉस्टल का आइडिया है। तो बाकी मुझे जल्दी मैसेज करना है ताकि मैं ये मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी, आज रात बैठ के थोड़ा एडिट करके तो कल कर दूंगी ये वीडियो अपलोड। तो फटाफट मैं सारी चीज़ें वो कर लूँगी, क्या बोलते हैं, परसों मेरे पेपर है, तो फटाफट आप लोग पूछ लेना जो पूछना है और जो क्वेरीज होंगी आप लोगों की, तो फिर मैं फटाफट वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी, बना दूँगी आप लोगों को, मतलब इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए फिर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, थैंक यू सो मच, बहुत सारे व्यूज़ मतलब बहुत बढ़ रहे हैं मेरे, एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और आप लोग कोई भी आओ श्रीनगर, मतलब आपका एडमिशन जब हो जाए तो ज़रूर मुझसे मिलना, मुझे खुशी होगी इस चीज़ को लेके। और बाकी जो क्वेरीज आप लोगों के वो पूछना मुझे कमेंट बॉक्स में। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, एंड भगवान करे आप सबका एडमिशन आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे हो जाए। अगर HNVU से ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिले तो श्योरली वहाँ पे जाना, प्लेसमेंट जीरो है बिकॉज। ओके ठीक है, थैंक यू, बाय 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 बाय।